नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ कि आप सभी घर पे ही होंगे। हम लोग भी घर पे ही हैं और स्टे होम का स्लोगन चल रहा है चारों तरफ। इसमें भी हम कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा जो क्वेश्चंस हैं या लोगों के जो क्वेश्चन आ रहे हैं हमारे पास, उसको सॉल्व किया जाए और वीडियो के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से आप लोगों तक पहुँचाया जाए, ताकि आपका थोड़ा ज्ञान बढ़े और इससे रिलेटेड अगर आप कोई बिजनेस करना चाहते हो तो उस बिजनेस को प्रारंभ करें। और उस बिजनेस में हमारी कोई भी अगर किसी तरह की मदद चाहिए होगी आपको, तो हम इसके नीचे अपना व्हाट्सएप नंबर दे देंगे, उसमें आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, ताकि हम उस चीज पे और भी ज़्यादा आपको जानकारी दे पाएँ और आपका वो काम करवा पाएँ। नमस्कार। तो आज हम जो चालू करने वाले हैं और जो क्वेश्चन हमारे पास आया है, वो अभी लेटेस्ट देखिए कोरोना का समय है, मेडिकल रिलेटेड क्वेश्चन जो हैं आजकल बहुत हमारे पास आ रहे हैं। जैसे इससे पहले आया मास्क के बारे में, तो उसके हमने बताया कि कैसे देखिए गलत चीज़ें लोगों के सामने बेची जा रही हैं। आज का जो क्वेश्चन आया हुआ है, एक फ्यूचर संभावना जिसको बोलते हैं, उसको देखते हुए ये क्वेश्चन आया हुआ है। आप देख रहे होंगे मैक्सिमम अगर आपने ट्रैवलिंग किया है या टीवी में भी आप देख रहे होंगे कि बहुत सारे स्टेशन पर लोगों को खड़ा करके उनको थर्मल स्कैनिंग की जा रही है। थर्मल स्कैनिंग यानी मशीन से जो देखिएगा सर पर इतना दूर लगा के वो मशीन से चेकिंग करते हैं। तो एक हमारे व्यूअर हैं, उनका क्वेश्चन है कि ये थर्मल स्कैनिंग का बिजनेस जो है कैसा रहेगा और इसका फ्यूचर कैसा रहेगा अगर ये इसमें किसी कंपनी का डिस्ट्रीब्यूटरशिप ले रहे हैं या किसी रिटेल में बहुत ज़्यादा सामान उठा रहे हैं। तो इसके बारे में हम जानकारी दे रहे हैं। देखिए अभी ये जो समय है और ये जो चीज़ें हम कर रहे हैं घर पर, या आप जो घर पर वेट कर रहे हैं, या इंडिया में जो लॉकडाउन है, ये बहुत बड़ा बदलाव लाने वाला है हमारे देश में। एक टेक्नोलॉजी के माध्यम में भी, सोचने के माध्यम में भी और बिजनेस के माध्यम में भी। थर्मल स्कैनिंग का जो मशीन है उसका फंक्शन क्या है, वो क्या करता है कि देखिए ये सोशल डिस्टेंसिंग का समय है और चीज़ है, तो अगर हम किसी के टेम्परेचर को अगर अभी कैलकुलेट करें या मापने जाएं, तो पहला जो सिस्टम था वो टेम्परेचर बॉडी में अटैच करना पड़ता था। तो उससे क्या है, मैन टू मैन कोरोना वायरस फैलने का और भी ज़्यादा संभावना है। मगर आपको तो चेकिंग करना है, आपको तो लोगों को टेस्टिंग करना है, तो उसके लिए ये टेक्नोलॉजी आया या ये एक सिस्टम आया जिसको थर्मल स्कैनिंग मशीन कहते हैं। ये आपको लगभग बिना टच किए हुए ही बता देता है कि आपका बॉडी का टेम्परेचर कितना है। यानी इसका, ये कोरोना वायरस का कोई टेस्टिंग मशीन नहीं है, मगर अगर मान लीजिए किसी सामान्य व्यक्ति का सामान्य से ज़्यादा टेम्परेचर हो या किसी भी व्यक्ति का सामान्य से ज़्यादा टेम्परेचर हो, तो ये उसको डिटेक्ट कर देता है। और जैसे ही सामान्य से ज़्यादा टेम्परेचर डिटेक्ट होता है, तो अभी शक के आधार पे उसको क्वारंटाइन में रखा जाता है और उसको प्रिपरेशन दिया जाता है या समझाया जाता है कि आपको कुछ चीज़ें होने की संभावना है। तो ये इसका रोल है थर्मल स्कैनिंग मशीन का। और जहाँ तक आपने बताया इसका फ्यूचर का, तो इसका देखिए ये अब ट्रेंडिंग आ गया बिजनेस में, ये एक लोगों की आदतें भी बन गई या ये हॉस्पिटल या डॉक्टरों के पास पहुँच चुका है। अब क्या होगा फ्यूचर में, जो भी आप बुखार मापिए या नॉर्मल भी हो गए, देखिएगा मैक्सिमम वो थर्मामीटर पुराना छोड़ के ये थर्मल स्कैनिंग मशीन ही चलेगा हॉस्पिटल्स में हो या बाकी जगह हो। तो फ्यूचर भी इसका कोई डार्क नहीं है, अच्छा फ्यूचर है। अगर आप इसमें बिजनेस करना चाहें तो किसी अच्छे स्टॉकिस्ट या किसी, अगर रिटेल में करते हैं तो किसी अच्छे डिस्ट्रीब्यूटर को पकड़िए और ब्रांडेड कंपनी का थर्मल स्कैनिंग मशीन लेके काम कीजिए। और अगर या फिर आप इसका डिस्ट्रीब्यूटर बनना चाहते हैं, तो आप जैसे चाइना में भी बहुत प्रोडक्शन हो रहा है, बाकी कंट्री ताइवान में भी हो रहा है, तो वहाँ के कंट्री से मंगा के आप यहाँ पे अपने यहाँ पे ये बिजनेस कर सकते हैं। और अगर आपको इंडिया में करना हो, मतलब इंडिया में मतलब चाइना वगैरह से आप डिस्ट्रीब्यूटरशिप या आपका पेपर वर्क नहीं है, नहीं जाना चाहते हैं, तो मुंबई में भी बहुत सारे कुछ ऐसे डिस्ट्रीब्यूटर हैं जिनको हम भी जानते हैं और वो भी हमें जानते हैं। हम उनका नीचे रेफरेंस दे देंगे, आप उनसे भी संपर्क करके ये जो मशीन है थर्मल स्कैनिंग मशीन, इसका रेट मंगा सकते हैं। अगर आपको लगे कि नहीं वो कंपनी ठीक है, रेट ठीक है और चीज़ें आपको ब्रांडेड दे रही है, तो आप उनके साथ भी काम कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा कि ये जो आपने एक विषम परिस्थितियों में भी एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी सोचा, इसको, इसके लिए आपको धन्यवाद। और इस तरीके से ही अगर हमारा माइंड काम करे, तो हम ज़रूर कोई भी कोई चीज़ हो या बिजनेस हो उसमें सफलता पाएंगे। हमारे बारे में आप लोगों का जो ख्याल है वो देखा ही होगा आपने, हम ऐसी वीडियोस बनाते हैं। और हमारे वीडियो बनाने का भी उद्देश्य भी यही है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा एंटरप्रेन्योर को तैयार कर पाएँ। और अगर आपको किसी भी पेपर वर्क में प्रॉब्लम आता है, बिजनेस समझने में प्रॉब्लम आता है, कैसे करना है स्टार्टअप उसको समझने में प्रॉब्लम आता है,
तो हमारे व्हाट्सएप पे आप कांटेक्ट कीजिएगा, हम आपको इससे ज़्यादा भी और भी ट्रेनिंग और चीज़ें दे सकते हैं, बता सकते हैं, जो आपको सफल बिजनेसमैन बनाने के लिए बहुत ज़रूरी है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।